फेक गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। चला ना गोली, चला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, शार्क 2 मूवी और आश्रम सीरीज के रिलीज का हो चुके पूरे 9 दिन कंप्लीट। साथ ही साथ दोस्तों, JL50 सीरीज जो कि दोस्तों टाइम ट्रेवलिंग से जुड़ी सीरीज है, इस सीरीज के दूसरा दिन है आज रिलीज के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शार्क 2 और आश्रम सीरीज ने अपने 9 दिनों में टोटल ऑनलाइन कितने करोड़ का कलेक्शन किया। साथ ही साथ दोस्तों, JL50 ने अपने 2 दिनों में टोटल ऑनलाइन कितने करोड़ का कलेक्शन किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं JL50 सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, JL50 सीरीज एक टाइम ट्रेवलिंग से जुड़ी मास्टर सीरीज है दोस्तों, जिसको रिलीज का दूसरा दिन है और इसके डायरेक्ट किया है सरेंदर बैस ने। स्टार कास्ट पे बात दोहराई जाए तो दोस्तों, इस सीरीज के स्टार कास्ट पे देखने को मिलेगा आपको अभय देओल, पंकज कपूर, रितिका आनंद और पीयूष मिश्रा जी को। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस सीरीज का जो टोटल बजट है 12 करोड़ रुपए। सोनी लिव ने इस सीरीज को प्रीमियर किया है। बॉक्स इस कलेक्शन की अगर बात की जाए, यानी दोस्तों ऑनलाइन कलेक्शन की अगर बात की जाए, तो दोस्तों JL50 सीरीज को अपने 2 दिनों में जो टोटल व्यूज मिले हैं वो है 13 लाख। यानी दोस्तों 13 लाख लोगों ने JL50 सीरीज को अपने 2 दिनों में देखा है। और जैसे कि दोस्तों, पर व्यूज पे अगर 50 रुपीज भी मिले ऑनलाइन देखने के लिए, तो दोस्तों 50 रुपीज के साथ अगर 13 लाख मल्टीप्लाई की जाए तो दोस्तों हो जाते है कलेक्शन पूरे 6 करोड़ 50 लाख का। जी हां दोस्तों, JL50 ने अपने 2 दिनों में जो टोटल ऑनलाइन कलेक्शन किया है वो है 6 करोड़ 50 लाख। वही अगर बात करें दोस्तों शार्क 2 मूवी के बारे में, तो दोस्तों शार्क 2 जो कि दोस्तों एक एक्शन क्राइम मूवी है, इसको डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने। स्टार कास्ट पे देखने को मिलेगा आपको संजय दत्त, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और आदित्य राय कपूर जी को। इस मूवी के टोटल जो बजट है 40 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के डिजिटल राइट्स, यानी दोस्तों इस फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके हैं पूरे 60 करोड़ रुपए में, जिसे खरीदा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने। हमेशा की तरह बताना चाहूंगा दोस्तों, नेपोटिज्म मूवी होने के कारण लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से इस मूवी को बॉयकॉट किया है और सुपर फ्लॉप कर दिया है इस मूवी को। जहाँ पे दोस्तों फिल्म का बजट है 40 करोड़ रुपए, वही दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स, यानी दोस्तों फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स खरीदे हैं पूरे 60 करोड़ रुपए से। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जबकि फिल्म के राइट्स खरीदे हैं पूरे 60 करोड़ रुपए से, तो दोस्तों इस फिल्म को क्लीन हिट होने के लिए भी 80 करोड़ के ऊपर बिजनेस चाहिए होते थे। जबकि दोस्तों, मूवी रिलीज के 9 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं और दोस्तों 9 दिनों में इस मूवी को जो टोटल व्यूज मिले हैं वो है 19 लाख। यानी दोस्तों 1 मिलियन और 9 लाख लोगों ने शार्क 2 मूवी को ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखा है। तो अगर कलेक्शन की बात की जाए और 50 रुपीस अगर मिले पर व्यूज पे, तो दोस्तों 50 रुपीस के साथ अगर 19 लाख मल्टीप्लाई की जाए तो दोस्तों हो जाते पूरे 9 करोड़ 50 लाख रुपए। तो दोस्तों, यही है शार्क 2 मूवी के अपने 9 दिनों का टोटल ऑनलाइन कलेक्शन, जो की हो चुके पूरे 9 करोड़ 50 लाख रुपए। जहाँ पे दोस्तों फिल्म का बजट है 40 करोड़ रुपए और फिल्म के डिजिटल राइट्स बिके हैं 60 करोड़ रुपए में। दोस्तों, फिल्म ने अपने 9 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया है वो है 9 करोड़ 50 लाख रुपए। इसके साथ दोस्तों, शार्क 2 मूवी हो चुकी है सुपर फ्लॉप। वही अगर बात करें दोस्तों आश्रम सीरीज के बारे में, तो दोस्तों आश्रम सीरीज एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसको डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने। स्टार कास्ट पे बात दोहराई जाए तो दोस्तों, इस सीरीज के स्टार कास्ट पे देखने को मिलेगा आपको बॉबी देओल, त्रिदास चौधरी, आदित्य सुधीर पंकर, अनुप्रिया, अदन्ना समान, संदन रॉयर, दर्शन कुमार जी को इस सीरीज के स्टार कास्ट पे देखने को मिलेंगे। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीरीज है और सभी को अगर सीजन 1 देखा है लोगों ने, तो सीजन 2 के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे उन लोग जो दोस्तों सीजन 1 पूरी तरह से कंप्लीट देख लिया है। बताना चाहूंगा दोस्तों, MX प्लेयर के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर किया गया है आश्रम सीरीज को। इस सीरीज के सीजन 1 पे पूरे 9 एपिसोड है और 9 एपिसोड में टोटल जो टाइमिंग है वो है अराउंड 6 आवर 50 मिनट, यानी दोस्तों 6 घंटा 50 मिनट का। कलेक्शन जानने से पहले बजट की अगर बात की जाए, तो दोस्तों इस सीरीज के जो टोटल बजट है सीजन 1 के वो है पूरे 20 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, इस फिल्म को, यानी दोस्तों इस सीरीज को बॉक्स ऑफिस पे क्लीन हिट होने के लिए भी 25 से लेकर 30 करोड़ से ऊपर बिजनेस चाहिए होता था। लेकिन दोस्तों, फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही सुपर हिट वाला बजट अपने नाम कर लिया था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बताना चाहूंगा दोस्तों, आश्रम सीरीज को आज तक का जो टोटल व्यूज मिले हैं 9 दिनों में वो है 8 मिलियन 5 लाख। यानी दोस्तों पूरे 85 लाख लोगों ने अपने 9 दिनों में आश्रम सीरीज को देखा है। और अगर पर व्यूज पे 50 रुपीज भी मिले, जबकि दोस्तों 50 रुपीज मिल जाते हैं पर व्यूज पे
एट रिवेन्यू और सब्सक्रिप्शन प्राइस से। तो 50 रुपीज के साथ अगर 85 लाख मल्टीप्लाई की जाए तो दोस्तों हो जाते हैं पूरे 42 करोड़ 50 लाख रुपए। तो दोस्तों यही है आश्रम सीरीज के अपने 9 दिनों का टोटल ऑनलाइन कलेक्शन जो की हो चुके हैं 42 करोड़ 50 लाख रुपए। जहाँ पे दोस्तों फिल्म का बजट है ओनली 20 करोड़ रुपए। दोस्तों फिल्म ने सिर्फ 9 दिनों में ही 42 करोड़ 50 लाख का रिकवरी कर लिया है। इसके साथ दोस्तों आश्रम सीरीज हो चुके हैं सुपर हिट। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और इसी तरह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।